जा रहे हैं मानस नेशनल पार्क, तो मैं एकदम रेडी हूँ। मेरे जो दोस्त जाने वाले वो भी रेडी है। अब बाइक को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्ट करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो उसको करते हैं, उसके बाद निकलेंगे मानस के लिए। तो चलो तो इसे कहते हैं जुगाड़। तो आप लोग देख सकते हैं मैं माइक को कैसे ले लिया है। देखने में थोड़ा सा ख़राब दिखता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत है। चलो आगे मिलते हैं। तो हम पर गए पीछे, सारे दोस्त आगे चले गए। अब भास्कर भाई और हम जा रहे हैं पीछे पीछे। गाड़ी चला रहा है भास्कर भाई, तो भी गाड़ी चला रहा है भास्कर भाई। तो ये काम हमने सौंपा है भास्कर भाई को। भास्कर भाई बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, तो चलो आगे मिलते हैं। भास्कर भाई ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी नहीं चलाते, तो इसलिए। तो एक शिव मंदिर है, हर हर महादेव। तो कहीं जाने से पहले महादेव का नाम तो लेना ही पड़ता है। तो अभी पहुंचने वाले हैं वो नया वाला ब्रिज, तो यहाँ पे थोड़ा सा उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मतलब रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। तो वो दोस्त लोग यहाँ पे रुके हैं, तो चलो चलो ओ चलो चलो। तो ये है दोस्त लोग अभी यहाँ पे रुके हैं हमारे लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है ब्रिज तक, तो यहाँ से सिंगल जाना पड़ता है। तो ये भार्गव भैया जोश में है भाई, क्या गाड़ी चलाते हैं भाई, राजदीप भाई और जिंतू भाई। तो भास्कर भाई को हम ज़्यादा रिस्क नहीं दे सकते, इसलिए मैं उतर गया। भास्कर भाई का भी जोश है, वो कर सकते थे, लेकिन हम चलो। तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर से नहीं जा रहे हैं, एकदम आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं है, मस्ती करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से जा रहे हैं। चलो जवानों आगे बढ़ो। तो अभी पहुँचने वाले हैं सीधे रास्ते में, तो अभी लगता है भास्कर भाई गाड़ी को दबाएंगे। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं सालबारी कॉलेज। ये है सालबारी कॉलेज, और इसको क्रॉस करते ही हमें वो रास्ता मिलेगा जहाँ से हम जाएंगे मानस नेशनल पार्क। ये है सालबारी कॉलेज। तो यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, तो थोड़ा सा भास्कर भाई को थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो अभी हम क्रॉस कर चुके हैं सालबारी कॉलेज, तो अभी मिलने वाला है मानस नेशनल पार्क। हमें एक नहीं मिल रही और ये दो दो लेके घूमे हैं, ये है किस्मत। तो इसको कहते हैं किस्मत, और अपना किस्मत है। तो बहुत दूर सफ़र करने के बाद अभी हम आके पहुँचे हैं चाय के बगान, मतलब चाय की जहाँ पे खेती करते हैं। तो वो लोग देख सकते हैं, तो अब से आप लोगों को चाय का बगान ही बगान दिखेगा। सारी ओर चाय की बगान ही है, ये आर्मी कैंप है। तो उसको क्रॉस करते ही हमको मिलेगा मानस। चाय की बगान के बाजू में से एक छोटा सा रास्ता है जो जाता है मानस की ओर। तो देख सकते हैं दूर दूर तक और कुछ नहीं है, चाय की बगान और बड़े बड़े पेड़ है। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जहाँ यहाँ पे काम करते हैं, चाय की पत्ती उठाते हैं। तो देख सकते हैं उठा रहे हैं चाय की पत्ती, ये देख सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जो करते हैं ये काम, तो बहुत बढ़िया। तो अभी हम मानस के रास्ते में है, यहाँ पे दोस्त लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं, मतलब ले रहे हैं, वहाँ पे जाके खाएंगे। तो यहाँ पे एक शौक है, इस शौक से हम अगर सीधा जाएंगे तो हमको मिलेगा मानस। तो चलो आगे मिलते हैं। तो अभी पी रहे हैं भास्कर भाई ठंडा, तो ठंडा पीते पीते कूल होते होते हम जाएंगे मानस। तो भार्गव अकेले नहीं खाएंगे, दोस्त को भी खिलाएंगे। तो देखो क्या प्यार भरा नज़ारा है, लेकिन हमें नहीं पिला रहे अभी तक। तो मानस में हम हाथी घोड़ा बाघ ये सब देखने के लिए नहीं आया है, हम आए हैं, हमको नहाना है। एक बढ़िया यहाँ पे झील है, वहाँ पे हम नहाएंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं हमको जहाँ पे आना था, यहाँ पे एक झील है, आप लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दिखाते हैं कि जगह कैसा है। तो हम पहुँचे हैं अभी वो जगह है, यही है।
बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सारी और खेत ही खेत है, चाय की खेत। और अब हम यहाँ पे है नहा रहा है इस झील में। तो यहाँ पे हम बाघ हाथी घोड़ा देखने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आए हैं नहाने के लिए। अगर मानस के अंदर हम जाते हैं तो मतलब पास लगता है, पैसे लगते हैं, तो इतना बजट नहीं है हमारे, तो इसलिए हम यहीं पे आ गए नहाने के लिए। तो चलो नहाते। तो नहाना वहाना हो गया, गीले कपड़े को हमने सुखाने के लिए रख दिए। अभी थोड़ा सा धोएंगे पैर को, तो पैर में मिट्टी लगी है, तो पैर धोने के बाद कपड़े पहन के हम जाएंगे फोटो क्लिक करने। चलो तो नहाना वहाना हो गया, अभी हम जा रहे हैं फोटो शूट करने, फोटो क्लिक करने। तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलो फोटो शूट करते हो। तो आप लोग यहाँ पे अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, वहाँ पे मतलब होटल टाइप है, कैंप है, यहाँ पे आकर रह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सिनेमेटिक शॉट ले लिए हमने, इतना ज़बरदस्त व्यू है भाई। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया, अभी हम निकलेंगे कुछ खाने के लिए। तो चलो। तो अभी हम पहुँच चुके हैं इस जगह, यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, जब वो लोग आएंगे तो हम जाके खाना खाएंगे। तो चलो खाना पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आते ही हमने पूछ लिया था कि खाने का कैसा मतलब प्राइस है। अगर आप लोग रोटी सब्जी खाते हो तो 20 रुपये होगा, और अगर चावल खाते हो राइस वेज तो लगभग 80 रुपये। वहाँ पे ड्राइवर जो चला रहा है नाव को। तो अगर आप गाड़ी के साथ दो लोग आते हो तो यहाँ पे होता है 20 रुपया। तो हमने पे कर दिए, अभी जाएंगे घर। हेलो, तो हम फाइनली पहुँचे घर। वहाँ पे बहुत मज़ा आ गया हम दोस्त लोगों ने, तो आ गए। और कभी जाएंगे मानस के अंदर, जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को हाथी घोड़ा बाघ। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, और कमेंट शेयर तो भाई जरूर करना, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं।